अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अफशा इश्तियाक, योर ऑनलाइन टीचर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लॉज रिलेटेड टू गैसेस। देर आर टू लॉज रिलेटेड टू गैसेज। फर्स्ट वन इज़ द बॉयल्स लॉ एंड द सेकेंड वन इज़ द चार्ल्स लॉ। बोथ दीज लॉज आर यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द गैसेज। फर्स्ट लॉ इज द बॉयल्स लॉ, विच इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हु इज़ बॉयल? बॉयल वॉज अ साइंटिस्ट। ही इज़ एन फिलोसफर, केमिस्ट, फिजिशियन एंड इन्वेंटर। ही वॉज फेमस फॉर हिज लॉ, विच इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ वॉज प्रजेंटेड इन 1662। बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ गैसेज, the relationship between volume and pressure of a gas। अगर हम pressure temperature को constant रखते हैं, मतलब temperature का effect नहीं लेते कि temperature कितना है, चाहे high degree temperature है, low degree temperature है, अगर हम temperature को consider नहीं कर रहे और हम pressure और volume को देख रहे हैं कि मतलब अगर हम volume increase कर रहे हैं साथ में pressure increase कर रहे हैं कि मतलब वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर कम हो, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम कम हो, मतलब देर इज़ ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब द डेफिनेशन। बॉयल्स लॉ इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ कॉन्स्टेंट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर हम उनका इन्वर्स रिलेशन पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। मतलब अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि गिवन मास का जो रिलेशन है प्रेशर के साथ, वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वर्स रिलेशन मीन्स कि आप वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज एंड दी अदर क्वांटिटी इज़ डिक्रीज। सो दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन। सो वी हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेज व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर, एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज व्हेन द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इंक्रीजेज। वी कैन राइट एज वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे एंड वन ओवर पी, या फिर क्या लिखेंगे, वी प्रोपोर्शनल टू वन ओवर पी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू के ओवर पी। के जो है आपके पास वो कॉन्स्टेंट को शो कर रहा है, और या फिर हम क्या लिखेंगे, वी पी इज इक्वल टू के या फिर कॉन्स्टेंट को। के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो हर गैस के लिए सेम रहती है, चाहे आप कोई भी गैस यूज़ करें। तो यहाँ से हम दोबारा से बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आप इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम अगर हम लें, पी वन वी वन इज इक्वल टू के, देन फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर क्या होगा, पी टू वी टू इज इक्वल टू के। मतलब कि पहले जो हम वॉल्यूम ले रहे थे वो आपके पास जो हमने प्रेशर लगाया हुआ, पहले अगर हम 2 atm प्रेशर लगा रहे हैं और आपके पास वॉल्यूम है 1 dm³, तो वो उसका क्या हो जाएगा, P1 and V1। तो P2 V2 क्या होगा कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, 4 atm आपका प्रेशर हो जाता है, तो P2 क्या हो जाता है, 4 atm। उसी तरह डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, वो क्या होगी, 0.5 dm³। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन पर हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ किया वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो ये हम इससे हमने एक इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन आपके पास क्या आ जाती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब अगर हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मींस आप कोई भी गैस है, आप उस पर वॉल्यूम ले रहे हो, आप 1 dm आपके पास आपका गैस का वॉल्यूम है, आप उस पर 2 atm प्रेशर लगा रहे हैं। अभी जो हमने सारी डेरिवेशन और सारी एग्जाम ये रिलेशनशिप पढ़ा है, उसको हम एक्सपेरिमेंट से देखना चाहते हैं कि ये रिलेशन ठीक भी है या नहीं। कि मतलब अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए, कॉन्स्टेंट रहती है चीज़ या नहीं रहती, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर पे हम एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन मींस वेट लगा देते हैं। जैसे हम हमारे पास वेट होते हैं 1 kg वेट, 2 kg वेट,
इस तरह के जो वेट्स होते हैं इसे हम पिस्टन कह रहे हैं। तो पहले हमने एक कंटेनर लिया, उसमें जो आपकी गैस का वॉल्यूम था वो 1 dm³ है, उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं 2 atm। उसी कंटेनर पे हमने और ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो वो कितना आ गया, 4 atm। फिर प्रेशर को डबल किया, 6 atm, वॉल्यूम कम हो गया। फिर प्रेशर लगाया 8 atm, तो वॉल्यूम जो है उससे भी ज़्यादा कम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। P1V1 फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले 2 atm प्रेशर था, वॉल्यूम क्या था 1, फिर 4 atm प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो गया 0.5, फिर 6 atm प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो गया 0.33, 8 atm प्रेशर, वॉल्यूम कितना हो गया 0.25। लेकिन अगर आप देखें तो प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, 2 atm कॉन्स्टेंट रहता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो प्रोडक्ट आपके पास आती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट। और यही चीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस इज़ कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहे हो, आप वॉल्यूम कितना अप्लाई कर रहे हो, वो कितना रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है उनकी जो प्रोडक्ट आती है। तो इससे हमें पता चला कि बॉयल्स लॉ पे जो टेम्परेचर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ 2 quantities जो वॉल्यूम और प्रेशर होती हैं उनका इफेक्ट होता है, और वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। थैंक यू।